and today as you can see we are going to discuss about subscription first I'm going to tell you the meaning of the subscription so what is the meaning of the subscription here amount paid by the members for membership what I said amounts paid by the member for their membership periodically ticket what they said की जो सब्सक्रिप्शन होता है वो क्या होता है जो मेंबरशिप को सब्सक्राइब करने के लिए जब मेंबर्स यूज टू पे द अमाउंट टू द एन पी ओज दैट अमाउंट इज नोन एज वॉट सब्सक्रिप्शन मतलब यहाँ हो क्या रहा है जो मेंबर्स हैं आर गिविंग मनी टू द एन पी ओज मीन्स सब्सक्रिप्शन इज देयर इनकम एन पी ओस की सब्सक्रिप्शन होती है वो सबसे पहली बात क्या होती है इनकम होती है ओके नाउ ऑट द नेक्स्ट नोट आई हैव रिटन सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर वेदर और नॉट आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मीन्स करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन भले ही वो आपको रिसीव हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होता है ओनली ऑफ करंट ईयर और इसके अलावा कुछ और सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है दैट वी विल डिडक्ट okay so now to understand the subscription i am having one question with you all and we are going to solve that question okay so here you can see as you can see i am having which account recipient payment account this is your recipient पेमेंट अकाउंट ओके एंड दे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विद इन दर इज वन लैख अब यहाँ पर वो ये बता रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है वन लैख अब हमें ये पता है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि ये जो वन लैख रिसीव हुआ है वो सिर्फ किसका हो करेंट ईयर का हो इट कैन बी ऑफ करेंट ईयर इट कैन बी ऑफ प्रीवियस ईयर इट कैन बी ऑफ नेक्स्ट ईयर क्यों क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट का हमने रूल पढ़ा था कि इट रिकॉर्ड्स वेन द मनी फ्लो वेन मनी फ्लो इन और वेन मनी फ्लो आउट ऑफ विच एवर ईयर इट डॉट मैटर तो हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिली कि टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल जो रिसीव हुआ है वो वन लैक like है पर हमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है वो सिर्फ कौन सा लिखना है करेंट ईयर का लिखना है ओके नाउ हियर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो गिवन द फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैव गिवन इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू थाउजेंड नाइनटीन का

थर्टी थाउजेंड और जो करंट ईयर का एडवांस रिसीव हुआ वो कितना आपका ट्वेंटी थाउजेंड सो नाउ टोटल हमें वन लैख रिसीव हुआ है अब हमें एक बात बस यहां पर ध्यान में रखनी है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम यहाँ प्रिपेयर करने वाले हैं वो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी का उसमें सिर्फ फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी सिर्फ इसका सब्सक्रिप्शन हमें लिखना है और इसके अलावा वन लाख like में जो भी आपको इंक्लूड है वो सब हम डिडक्ट करेंगे ओके नाउ लेट अस सी व्हाट आई हैव डन हियर सो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने लिखा वन ईयर ठीक है ना अब ये जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो इस साल क्या हो गया होगा रिसीव हो गया होगा अब मैम यहां क्वेश्चन में कहा लिखा है कि ट्वेंटी थाउजेंड रिसीव हो गया है इट इज रिसीव्ड बिकॉज दे आर से वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो वॉट दे हैव रिसीव्ड मतलब ये जो वन लैक है इसमें ट्वेंटी थाउजेंड जो मिला है वो हमें लास्ट ईयर का मिला है तो सबसे पहले इस वन लैक में से जो लास्ट ईयर का अमाउंट था वो हम क्या कर देंगे डिडक्ट कर देंगे डिडक्टेड उसके बाद में जो करेंट ईयर का आपका सब्सक्रिप्शन है वो फोर्टी थाउजेंड मिलना था बट अभी भी आउटस्टैंडिंग है ये देखो ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी का जो सब्सक्रिप्शन है वो उसमें फोर्टी थाउजेंड क्या है आउटस्टैंडिंग मतलब हमें जो भी अमाउंट मिलना था टोटल अमाउंट उसमें से फोर्टी थाउजेंड अभी भी क्या है आउटस्टैंडिंग है तो अभी हमने पढ़ा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंट ईयर का जितना भी अमाउंट मिला हो चाहे नहीं मिला हो वो लिखा जाता है तो हम क्या कर देंगे फोर्टी थाउजेंड को ऐड कर देंगे उजेंड को लेस क्यों किया क्योंकि वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था इस साल रिसीव हो गया है तो हम उसे क्या कर दिया लेस कर दिया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भले ही हमें रिसीव हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो बट वी हैव हैव टू इट नाउ दे गिवन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अब हमें कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है 2019 में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल चुका है ठीक है ना लास्ट ईयर मिला है कितना थर्टी थाउजेंड जो लास्ट ईयर आपको सब्सक्रिप्शन मिला है मतलब अगर मैं आज की बात करूं आज खड़े होकर मैं बोलूं कि पिछले साल मुझे एडवांस मिला था तो पिछले साल जो एडवांस मिला था वो किस ईयर का पैसा था वो करंट ईयर का था ना अभी जो चल रहा है उस ईयर का एडवांस था मतलब अगर 2019 में अगर मुझे कोई अमाउंट एडवांस के नाम पे रिसीव हुआ था तो वो 19 में जो रिसीव हुआ था वो कौन से ईयर का था ट्वेंटी का था मतलब द अमाउंट विच आईव रिसीव्ड इन टू थाउजेंड नाइनटीन ऑफ रुपीज थर्टी थाउजेंड इज ऑफ करंट ईयर मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन है वो कौन सा है करेंट ईयर का है सो वी विल दिस ओके जो कि लास्ट ईयर मिला था अब लास्ट ईयर तो ऐड हुआ नहीं होगा क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है तो लास्ट ईयर अगर ये मिला भी होगा तो उसने माइनस कर दिया होगा ओके okay? और हमने इस साल इसे क्या कर दिया ऐड कर दिया क्योंकि लास्ट ईयर मिला वाला एडवांस एक्चुअली वो इस साल का सब्सक्रिप्शन था Now the last information which they have given is of rupees twenty thousand. ये भी क्या है advance है Twenty twenty thirty first march twenty twenty को मतलब current year में मुझे जो advance मिला है वो कौन सा है Next year का है मतलब इस साल का तो वो रिलेटेड नहीं है दट आई विल डिडक्ट क्योंकि ये जो है रिसिप्ट पेमेंट उसने तो सब कुछ add करके रखा है चाहे वो लास्ट ईयर का था चाहे वो करेंट ईयर का था बट ये थर्टी थाउजेंड जो था जो लास्ट ईयर मिल चुका है वो तो यहाँ ऐड नहीं होगा हो क्योंकि वो लास्ट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी ऐड हो चुका है इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने क्या किया लास्ट ईयर एक्सपेंड लास्ट ईयर एडवांस विल बी एडेड क्योंकि वो करेंट ईयर का है और जो करंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ है वो नेक्स्ट ईयर का है इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया डिडक्ट कर दिया और इस तरीके से हम टोटल हम बता जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो कितना है वन लैख थर्टी थाउजेंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन देखो सबसे पहले कई बच्चे क्या होते हैं इनको लर्न कर लेते हैं लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होगा लास्ट ईयर एडवांस प्लस होगा करंट ईयर एडवांस माइनस होगा नो नीड टू लर्न यहां कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठाओ हो क्या कंसेप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होता है ठीक है मतलब ये जो रिसिप्टेंट पेमेंट में अगर कुछ भी इंक्लूड है या करंट ईयर का इंक्लूड नहीं है तो वो हम क्या कर देंगे इंक्लूड कर देंगे अब यहां जो इंफॉर्मेशन दी है इससे सिर्फ तुम्हें एक ही क्वेश्चन करना है ये कौन है ट्वेंटी थाउजेंड लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो कि मिला होगा इसमें से माइनस कर देंगे ये कौन है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है मतलब मिला नहीं है मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे एड कर देंगे क्यों क्योंकि करंट ईयर का है थर्टी लास्ट ईयर का एडवांस आप खुद सोचो अगर मैं 2020 में आज खड़ी हूं और बोल रही हूँ 2019 में मुझे एडवांस मिला था तो 2019 में जो मुझे एडवांस मिला होगा वो 2020 का होगा मतलब वो करंट ईयर का हो गया आज के टाइम में हमारे लिए तो तो दैट विल बी एडेड इन दिस ओके तो हियर आई हैव एडेड द 30,000 क्यों क्योंकि वो करंट ईयर का जो भी चीज करंट ईयर की है वो एड होगी ठीक है ना तो यहां पर मैंने क्या कर दिया उसको एड कर दिया ओके अब ये जो ट्वेंटी है जो कि मुझे अभी मिल चुका है बट वो कौन से, का, का, वो किस नाम से मिला है मुझे एडवांस के नाम से मिला है मतलब आज मुझे कोई बोल रहा है कि ये लो एडवांस आने वाले सालों का मतलब वो इस साल का तो नहीं है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो सिर्फ करंट ईयर का लिखाता है इसलिए मैं ये जो ट्वेंटी थाउजेंड है उसे क्या कर रही हूँ यहाँ से डिडक्ट कर रही हूँ क्यों क्योंकि वो आने वाले सालों के लिए सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है एंड इट विल बी नॉट शोन इन द करेंट करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओके सो हैव डिडक्टेड एंड दिस इज हाउ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन विल बी शोन ओके नाउ समथिंग विल गो इन द बैलेंस शीट ऑल्सो क्या जाएगी देखो लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में चला गया मतलब इस साल की जो बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन इज 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 योर इनकम इनकम एंड व्हेन द द आउटस्टैंडिंग इट ऑन साइड आई हैव दिस उसके बाद में लास्ट ईयर का जो एडवांस था वो तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखा गया है अब हमें क्या लिखना है करंट ईयर का एडवांस जो हमें हुआ जो रिसीव हुआ है जो कि कितना रिसीव हुआ है ट्वेंटी थाउजेंड विल बी रिटन ऑन द लाइबिलिटी साइड क्यों क्योंकि एडवांस मिल चुका है हम पैसे ले चुके हैं बट अभी भी सर्विसेज यहाँ पर दी नहीं गई है ओके सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी डन ठीक है ना ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट है जो कि सब्सक्रिप्शन का है अभी इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन हम कल की जूम क्लासेस में डिस्कस करेंगे दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड विद यू यू कैन वेट फॉर टुमारो टुमॉरोम क्लास इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन And then you can start doing the practice. Okay, students, bye. Have a safe night at your home.